अमिताभ बच्चन का ससुराल भोपाल में है। जया बच्चन के पिता तरुण भादुड़ी अपने जमाने के दिग्गज पत्रकार हुआ करते थे। अमिताभ की सास आज भी भोपाल के श्यामला हिल्स इलाके में रहती हैं। इतना ही नहीं, अमिताभ की कई फिल्मों की शूटिंग भोपाल में हो चुकी है। खुद अभिषेक और ऐश्वर्या भी बेटी आराध्या के साथ कई बार नानी ने मिलने भोपाल आ चुके हैं। जया बच्चन की बहन रीता वर्मा भी भोपाल में ही रहती हैं। उनकी शादी राजीव वर्मा से हुई है। राजीव कई फिल्मों में एक्टिंग कर चुके हैं। बिहार की रहने वाली हैं अमिताभ की सास। इंदिरा भादुड़ी का मूल नाम इंदिरा गोस्वामी था। उनकी पढ़ाई पटना में ही हुई है। इंदिरा की शादी पत्रकार और लेखक तरुण कुमार भादुड़ी के साथ हुई थी। तरुण कुमार भादुड़ी उस समय अंग्रेजी अखबार स्टेट समैन संवाददाता थे और उनकी तैनाती भोपाल में ही थी। इंदिरा भादुड़ी और तरुण कुमार को 3 बेटियां हुईं, जिसमें सबसे बड़ी बेटी जया भादुड़ी हैं। जब जया की मां ने कहा हमें गोली मार्च 2006 की है, तब भोपाल नगर निगम ने श्यामला हिल स्थित अंचल इनक्लेव की बाउंड्री वॉल तोड़ दी थी। अपार्टमेंट के कुछ और निर्माण भी टूटने थे। इस पर जया की मां आग बबूला हो गई थी और उन्होंने निगम को धमकी दी थी कि अपार्टमेंट में तोड़फोड़ करने से पहले हमें गोली मार दो। चंबल के डकैतों के साथ रहे अमिताभ के ससुर अमिताभ बच्चन के ससुर तरुण भादुड़ी पत्रकार और लेखक थे। उन्होंने कई न्यूज पेपर में काम किया। जिस वक्त चंबल के डकैतों का आतंक था, तब वे चंबल के बीहड़ में डकैतों के साथ रहे और उनके जीवन को समझा। इसके बाद उन्होंने अभिशप्त जंगल नाम से बंगाली भाषा में एक किताब भी लिखी, जिसका बाद में अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया गया। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की सुपरहिट फिल्म शोले तरुण भादुड़ी की किताब से ही प्रेरित बताई जाती है। तरुण भादुड़ी का 1996 में निधन हो गया था। अभिषेक और ऐश्वर्या कई बार आ चुके हैं भोपाल। अभिषेक और ऐश्वर्या भी कई बार अपनी नानी से मिलने भोपाल आते रहे हैं। वे इंदिरा भादुड़ी के जन्मदिन पर 2013 में यहां आए थे। इंदिरा भादुड़ी भोपाल में अब अकेले रहती हैं। जया बच्चन नवरात्रि पर कई बार भोपाल के काली बाड़ी मंदिर में सिंदूर खेलने आ चुकी हैं।